तो मैं इस करा मनुख चौक पे खड़ा है, बहुत वड्डा खतरा है ये पिछे मुड़ जाए। मनुख सिर्फ दिखाई देवे दी सारी जीवन शैली पशुओं वाली हो जाए। करतूत पशु की मानस जात। और मनुख जद पिछे मुड़दा है तो पशुओं नु मात कर देंदा है। महापशु कहिंदे ने सप कोबरा नाग जे किसी नु कटन लगे एक समय च वध तो वध तीन बंदियां नु डंग मार सकदा, उहदी जहर खत्म हो जांदी है। फिर 10-15 दिन लगणगे जहर बणदे आ। पर मनुख इतना जहरीला है कई दफा बस्तियां दियां बस्तियां शहरां दे शहर मुल्कां दे मुल्क उजाड़ देंदा, उहदी जहर खत्म नहीं होंदी। 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल सी हिटलर, पर उन्हें सुकून नहीं मिलिया। अगर जिंदा रहिंदा तो पता नहीं होर कितनियां तबाहियां करनियां सन। हलाकू लंघदा सी बस्तियां उजाड़ के लंघदा सी। चंगेज खान दे घोड़े लाशां तो लंघदे सन, हसदा होया लंघदा सी। 3 करोड़ बंदियां नूं मार के ते 3 करोड़ नूं उजाड़ के चाइना विच माओसे तुंग ने क्रांति लियांदी सी। 3 करोड़ चाइनीज उस वक्त सारी दुनिया च फैले, थां थां ते मुल्कां जो अजकल चाइना टाउन बने हुए ने उस वक्त नसे ने। 3 करोड़ नूं मार के ते 3 करोड़ नूं उजाड़ के क्रांति लियाण दा दावा कीता माओसे तुंग ने। मनुख जद पशु बनता है तो सप की होंदा? कुछ भी नहीं। शेर की होंदा? 2-4 बंदियां नूं चीर के खा जाएगा और किन्ना करेगा और किन्ना नुकसान करेगा। करोड़ां नूं चीर के फाड़ के सुट के भी माओसे तुंग दा हिरदा शांत नहीं होया सी। हिटलर कोई शांत नहीं होया सी। किधरे जिंदा रहिंदा तो पता नहीं कितनियां तबाहियां नूं जन्म देना सी। मैं एक दिन पढ़ रहा सी सूफी संत शेख सादी नूं, वो एक कहानी लिखदा है, जाल में रा खुफ्ता दी दम नीम रोज। नीम रोज अद्धा दोपहर दा वक्त, अद्धा दिन, नीम अधे नूं कहिंदे। जाल मेरा खुफदा दी दम नीम रोज, दोपहर दे वकत अद्धे दिन दे वकत, मैं एक जालम नो दरखत दे थले सुत्ता होया देखे। एक दुराचारी नो, एक दुष्ट नो, एक जालम नो सौ रहा सी। शेख सादी कहने मैं दुआ की थी, मैं खुदा दे अगों अरदास की थी, गुफ्तम ए फितना अस्त ख्वाबश बुरदाबा। ऐ मेरे खुदा, ये जो सुत्ता पे है ते फितना सुत्ता पे है, ये बंदा नहीं सुत्ता पे है, जुल्म सुत्ता पे है, दुराचार सुत्ता पे है, तबाहियां ते बर्बादियां सुतियां पईयां, ये फितना सुत्ता पे है। गुफ्तम ए फितना अस्त ख्वाबश बुरदाबा। ऐ मेरे मालिक, इदा सुत्ता ही रहना चंगा है, क्योंकि जागेगा ते फितने जागणगे, जागेगा ते जुल्म जागणगे, जागेगा ते तशद्दुद जागणगे, जागेगा ते बेइंसाफियां जागणगियां, जुल्म जागेगा। गुफ्तम ई फितना अस्त ख्वाबश बुरदाबा। फिर ए फकीर कहिंदा है, ऐ खुदा, ए मैं अद्धी दुआ कीती है, पूरी सुन ले, ए मेरी अद्धी अरदास है, हुण पूरी सुन ले। दूसरी पंक्ति च पूरी अरदास करदा है। वह आंके ख्वाबश बेहतर अस बेदारी अस्त आंचो ना बा जिंदगानी मुरदाबा। ऐ मेरे खुदा, जिस बंदे दा सोना जागने नालों बेहतर है, उस बंदे दा मर जाना सोने नालों कितना बेहतर होवेगा। इनू ऐसी नींद सुला उठे ही ना। शेख सादी, ये जागेगा जुल्म जाग पैणगा, ये जागेगा बेइंसाफियां जाग पैणगियां, ये जागेगा तशद्दुद जाग पेगा, ये जागेगा दुराचार जाग पेगा। ये जागण नाल पता नहीं कितनियां तबाहियां जन्म लैणगियां। किसी पशु ने अज तक इतना बर्बाद ते तबाह नहीं किया जितने मनुख ने मनुखता नूं तबाह ते बर्बाद किया है। और यकीन जानो, मनुखी दुनिया च बस मनुख दा भय, कोई पशुओं दा भय नहीं। चलो एक उदाहरण दिया, रात नूं इह तुहाडा बाजार बंद हो जाता है होशियारपुर दा, ते हर दुकानदार अपनी दुकान नूं 4-4, 5-5 मोटे मोटे ताले लांदा है। घरां नूं लोकी ताले लांदे, कार नूं ताला लाओ, स्कूटर नूं ताला लाओ, गुरु की गोलक नूं ताला लाओ। जे ना लाओ तो सवेरे कख नहीं लगता, गुरु की गोलक दे विचां होई हकीकत है, असलियत है। ये जो पंज पंज ताले लाए
ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਬੈਲਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਡਰ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਡਰ। ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭੈ, ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਇਤਨਾ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਤਨੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਬਣਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਪਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ।